नेक्स्ट मॉर्निंग 9:51 हो रहे हैं इस वक्त सुबह के। हम लोग रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। और अब क्या हो रहा है पापा? अब ये हो रहा है कि कल रात जो हमने चरखा लिया था उसमें से बचा था कुछ रोगनी नान है, ठीक है जी, वो हमने गर्म कर ली है और वो हम नाश्ते में खा रहे हैं। चाय है, चरखा है, रोगनी नान है, बेहतरीन किस्म का नाश्ता हो रहा है। बेहतरीन किस्म का नाश्ता हो रहा है, गर्म हो चुका है। नौमी चाचू भी रेडी हो चुके हैं और मैं भी रेडी हूँ। और मुझे आज कुछ काम भी है यहाँ पे तरवेला में, वो भी करने हैं। नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर जो है वो आगे काम कंटिन्यू करते हैं और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा जाता है। हाँ जी, तो रेडी हो गए हैं हम लोग सारे और रेडी हो के फाइनली आ गए। 10:30 बज रहे हैं सुबह के और हम लोग रेडी हैं। पापा भी ऑल ड्रेस्ड अप, नौमी चाचू भी फुल रेडी। ठंड कैसी है यहाँ पे? ठंड अभी तो बस लाहौर में ज्यादा थी। लाहौर में ज्यादा थी ना, लाहौर में ज्यादा थी क्योंकि वो लाहौर में जो है ना वो ये सूरज इतना तेज नहीं है, वो फॉग की वजह से। लाहौर में तो है ही नहीं सूरज, सूरज कहाँ है। यहाँ मजे का बहुत मजे का मौसम है। तुम्हें तो बड़े दिन बाद लग रही होगी। हाँ है ना, सूरज ही नहीं निकल रहा, ऐसा लग रहा होगा अंटार्कटिका से हम वापस में आ गए। तो यहाँ ज़रा फोटो शूट करते हैं थोड़ा सा और बाकी आप देखें इस सोसाइटी की क्या ही बात है, बहुत खूबसूरत सोसाइटी है। और रोड्स आप देखें कितने साफ़ सुथरे हैं यहाँ पे। और ये ग्रीनरी अभी तो खैर कम हुई भी ऑब्वियसली क्योंकि सर्दियाँ हैं। सामने मस्जिद है, ये आप देखें इस साइड आपको पहाड़ों का व्यू आएगा राइट साइड पे सारे। और ये वापडा कराकरम लॉज और ये इस तरह से आप देखें आपके सामने बहुत प्यारे व्यूज़ इंजॉय करते हुए। अब हम ज़रा यहाँ से चलते हैं, फ़ोटो शूट थोड़ा सा हमने कर लिया है यहाँ पे और अब फ़ोटो शूट करने के बाद लेट्स गो। अब हमने जाना है गाज़ी और गाज़ी बाज़ार में कुछ हमें काम है, वो काम करते हैं फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है और किस हिसाब से जो है हमारा दिन जाता है। फ़िलहाल तो रेडी हो गए हैं और दिन में तो मौसम ठीक है यहाँ पे, दिन में मतलब ऐसी कोई ख़ास ठंड नहीं है। आप जैसे अगर धूप में बैठे हुए हैं तो माहौल बिल्कुल ओके है, सेट है बिल्कुल ना, मतलब आपको ये है कि इजी रहेगा और ठंड भी नहीं लगेगी अगर आप धूप में बैठे हैं तो। रात में काफ़ी ठंड है यहाँ पे क्योंकि वो हवा चल रही है, दैट्स व्हाई टेम्परेचर स्टिल 1-2 डिग्री सेल्सियस इस्लामाबाद और लाहौर से कम ही है यहाँ पे। तो ये कर रहे हैं सामान वगैरह ज़रा सेट गाड़ी के अंदर और फिर चलते हैं। ये सारा ऐसे हो रहा है फॉगी सा, फॉगी सा हो रहा है। पानी है राइट साइड में नीचे, अब दिखेगा पानी। ये पानी देखा कितना पानी है नौमी चाचू, गर्म है ये, ठंडा भी है गीला भी है। एक दफा हमने ऐसे इधर यहाँ रेवा लोग रोकी थी फिर नीचे गए थे किनारे फिल्टर वाले में भी इधर आते हैं शाम में आ जाते हैं सी साइड फोटोग्राफी करने। और ये आ गया है गाजी शहर, गाजी बाजार। और गाजी बाजार आ गया है, मुख्तलिफ दुकानें हैं यहाँ पे जो कि एक नॉर्मल बाजार में होती हैं। ये टाइम है 11:27 और 1020 का जैसे डाल रहे हैं पेट्रोल, क्वालिटी 1.59। चेंज हो गया है, पहले हम जा रहे थे सवाबी, अब हम जा रहे हैं एबटाबाद और ये हमने रास्ता लिया है श्रीकोट वाले रास्ते से निकलेंगे हरिपुर। हरिपुर में एक हमने देखना है काम है, ऑफिस है वो देखना है, अगर वो खुला होता है तो फिर वो हमारा काम हरिपुर से हो जाएगा, नहीं होता तो फिर हमने जाना है एबटाबाद। कल फिर हमने इसी रूट से जाना है गिलगित के लिए। ये रास्ते की ना ज़रा रैकी भी हो जाएगी, रास्ता तो वैसे अच्छा बन गया, ये मज़े का हो गया है, राइट लेफ्ट मज़ा आता है। बस चलें आपको चलेंगे एक अनएक्सपेक्टेडली ये एक और मिनी टूर निकल आया
और मीट ऊपर निकला है, साथ में हमारे बैठे नूमी चाचू फुल रेडी होके इस रिकॉर्ड के लिए। एंजॉय हो रहा है? जबरदस्त हो रहा है। नूमी जाए भाई के साथ ना बड़े अरसे बाद ट्रिप हो रहा है। कितने कब के मैं भूल जाता हूँ। एक तो अरमान छोटा था तब तो मारा था, 2013 में आए थे ना। हाँ साल दस साल बाद नौमी भाई निकले हैं। नौमी भाई के बच्चे परेशान हैं हमारे अब्बा को किधर ले गए। निकले तो हैं हम, लेकिन सब साथ निकले हो ना भाई, साथ निकले हो ना, तो बच्चे भी तो यही परेशान है कि अब्बा हमारा पहली दफा किधर निकल गया हमें छोड़ के। रोड तो अच्छा है काफी, सिरकोर रोड जो है ना ये रोड तो बेहतरीन बना हुआ है। मतलब वापस वगैरह थोड़े बहुत हैं, बाकी हड्डी छड्डी नहीं है, गाड़ी स्पीड स्पीड जाती है। कर्व्स हैं काफी, हाइट गेन कर रहे हैं, चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं। 5-20 मीटर्स हो चुकी है इस वक्त हमारी एलिवेशन। ये पहले सिंगल रोड में ना ये बड़ा ऐसा मोड़ होता है, ये मोड़ इधर हमारी करोला भी पिक्चर्स है ना, करोला लाए थे ना 19 वाली, तो उसमें यहाँ से ये व्यू आ रहा है। आगे से ना झील भी दिखेगी, वो भी दिखाते हैं आपको अभी। मोड़ो मोड़ मोड़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं, क्या बात है। हाइट गेन होती जा रही है, अभी हम हैं 746 मीटर्स हाइट पे। वो टॉप है अभी, वो जो सामने गाड़ी जा रही है टॉप और है, ऊपर उससे भी ऊपर है, उसके आसपास में ही होने हैं। यार पीपल का ना ड्राइविंग ऑन टोपी हरिपुर रोड। इतना रश भी नहीं होता है, खाली होता है रोड। अब आप और देखो ना, किसी और गाड़ी में ऐसे 1000 रुपए का डाल के आप अपना बात जाने का सोच सकते हो। ये बात है। टेस्टिंग के तौर पे कितना 1000 रुपए का फ्यूल डाला है इधर एक पंप से, अब बड़े मोहतात हो गए हम फ्यूल के बारे में। और नौमी पहले लोग अगर चखा दे, जैसे कराची में टैंकर डलवाते है ना लोग, टैंकर वाला टैंकर लाता तो पहले पानी थोड़ा सा चख के देखते हैं। अच्छा हाँ, कि वो खारा तो नहीं है। अच्छा अच्छा, तो तू जरा चख लिया कर, जायका सूंघने से नहीं सही पता लगेगा, चखने से पता लगेगा थोड़ा सा। अब यहां से देखना नीचे कैसा व्यू है इसका, लेफ्ट साइड व्हाट अ व्यू, वो सारा तो धुंध में छुपा हुआ है। ओहो क्या बात है, मस्जिद बड़ी अच्छी बनी है, छोटी जगह खूबसूरत लग रही है, अच्छी हैंडपंप भी लगा है। फैसल मस्जिद की रिसेप्शन दे रही है, चांद भी लगाया हुआ। ये मेरा ख्याल में अब टॉप है पापा, कहीं और जा रहे हैं ना, अभी आगे जाएंगे इस तरफ और चढ़ेंगे ऊपर हम। हां जा रहे हैं, वो देखो लेफ्ट साइड पे झील झील, ये वो गांव सब हो जाए। पहाड़ों में ये पहाड़ ग्रीन बड़े हैं और ऊपर तक जा रहे हैं पक्के पहाड़। रोड तो चढ़ ही जा रहा है ऊपर, शीशा तुमने साफ। सिरिकोट रोड पे ऑलमोस्ट ये टॉप है और ये व्यू है यहाँ से, ये गाड़ी खड़ी है एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू। यहाँ से हम आ रहे हैं ये सारा ऐसे घूमते 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 ऐसे ऊपर, क्या बात है क्या बात है। इधर से मैं आपको व्यू दिखाऊँ, सामने से गाड़ी भी दिखाता हूँ। ये पक्के पहाड़ हैं, इनको कुछ नहीं होता, और साथ में जो है ना वो ये व्यू है। फाइनली 12:05 और सिरिकोट पहुंच गए हम लोग। ये आ गया है सिरिकोट बाजार, पहले ये छोटा सा हुआ करता था, 2-4 दुकानें होती थी, अब तो काफी हो गया ये ना, ऐसे पहाड़ों पे बना हुआ है, ये पहाड़ है दोनों साइड इसके और ये हाइट पे है। राइट को ना वो एक रोड जा रहा होगा, वो देखना कौन सा वाला था। 957 मीटर अबव सी लेवल, आगे से राइट जी, ये है ना हरिपुर के लिए, हरिपुर सीधा कहीं और जा रहा है सीधा। ये भी पुराना वाला वो है। अच्छा पुराना वो है, ये बाद में बना।
हसना पहुंच गए मेन रोड पे। राइट साइड पे हसन अब्दाल है और लेफ्ट पे ये हरिपुर है। पुराना जो है ये यानी केकेएस तो यही है ना असल में, इधर से स्टार्ट हो जाती है ना कराकरम हाईवे, कराकरम हाईवे हसन अब्दाल से स्टार्ट हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट है अब? हाँ डिस्ट्रिक्ट हो गया है ना। अच्छा डिस्ट्रिक्ट हरिपुर शाहीन केमिस्ट ग्रोसरीज। ये है मोस्ट फेमस यहाँ का माल्टा होता है और ये रेड ब्लड होते हैं बेसिकली, और रेड ब्लड भी होते हैं और दूसरे शिकरी भी होते हैं खानपुर का, खानपुर का ये बहुत बहुत फैट माल्टे होते हैं। ये इन माल्टों की जो है ना वो खास बात है भाई, ये तो बहुत फिट माल्टे हैं। वो खानपुर का जो शिकरी आता है ना, पहले तो ये हजार में मिल जाती थी पूरी इस तरह, पता नहीं क्या रेट है इनके, लेकिन ये है कि ये होते बहुत मजे के हैं और बहुत फिट होते हैं, टेस्ट बहुत फिट है। हमारे लगा देंगे आधा घंटा मोटर पे चढ़े जी, चढ़ के थोड़ी बैठ जाना सबसे खूबसूरत मोटरवे ये है, ये जो हजारा मोटरवे है ना सबसे खूबसूरत वो है, और ये इधर शाह मकसूद से आगे सारा सबसे खूबसूरत होता है, यहाँ से लेके और वहाँ तक था थोड़ा। उधर वो तुम्हारा वो कबाब वाला नहीं है बेदू के पास, उधर आता है वहाँ से फिर वापसी की बड़ी ख्वारी होती है, पीछे से यहाँ निकल जाएंगे। ये हवेलियाँ वाला आ गया, इंटरचेंज इधर से निकलेंगे तो हवेलियाँ, हवेलियाँ से थोड़ा सा आ गया ऊपर चढ़ेंगे बस तो अहमदाबाद आ जाएगा। 2 बज रहे हैं, चलते हैं आगे, बस ये कुछ जरूरी कामों के सिलसिले में आज हम बड़ा ख्वार हो रहे, करते हैं कुछ ना कुछ। सराय साले बस यहाँ से ये समझो थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे तो आगे अब तो बाद आ जाएगा बस, ये पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती और यहाँ सारे बीच में चलते हैं रोड के कॉर्नर जोड़ के। 2:15 हो रहे हैं और हम लोग अहमदाबाद पहुंच चुके हैं इस वक्त। ये अहमदाबाद का बस स्टैंड और अहमदाबाद का बाज़ार है हमारे आसपास में। मोटरवे से एग्ज़िट किया और एग्ज़िट करने के बाद आगे ऊपर नॉर्मल कराकरम हाईवे पर चढ़ के तो अब हम अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। सीधा जाएंगे तो ये आपको गिलगित वाली साइड आगे मानसेरा नारान ये उस साइड जाता है रोड, और राइट अगर वो पीछे टैंक चौक है उससे आप राइट हो जाएंगे, गूगल पे उसका नाम टैंक चौक आ रहा है ना, वैसे आप राइट हो जाएंगे तो वो मरी नथिया गली है, यूपिया 78 है गिलगित 735 पुंजराब। काम हो गया हमारा पूरा, अब हुआ है सुकून फाइनली, इसके लिए बड़ा ख्वार होना पड़ा था, इधर अहमदाबाद आए फिर पहले हरिपुर गए थे अहमदाबाद, तो खैर फाइनली अभी 4 बज रहे हैं इस वक्त दोपहर के, काम हमारा हो गया है कम्प्लीट और अब सीन ये है कि अब वापस तरबेला के लिए चलते हैं। तो उससे पहले ये है कि पेट्रोल आपके सामने ही है, 1020 का डाला था
पेट्रोल में अब गाड़ी की दोबारा लाइट आ गई है, कोई 90 किलोमीटर करीब चल आ गया है वो अब मुझे शीशे में नहीं दिखा। ओके ओके मैं रिकॉर्डिंग करूँ तो अब यहाँ से जो है ना ये मैं आपको पंप दिखाता हूँ, ये है PSO का कुरैशी, ये कराकरम हाईवे पे ही है, जब आप वो गिलगित की तरफ जा रहे होते हैं ना तो उसी साइड पे ये, तो यहाँ रश बड़ा है। ओहो ये तो CNG वाली लाइन है भाई ये तो यहाँ पर, तो ये है PSO का कुरैशी पंप, तो इसका पेट्रोल हमने काफ़ी दफ़ा ट्राई करा है, काफ़ी गाड़ियों में ट्राई करा है तो वो अच्छा होता है सही होता है, तो ये है कि अब इससे पेट्रोल फुल करते हैं फिर अपना वापसी का सफ़र शुरू करते हैं, ये आगे जाते हैं गाड़ी लगाते हैं वहाँ फिल करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कितना लीटर आया एंड देन वी आर गुड टू गो। सेंटर होते हैं मोटरवे, कुछ जैम टैक बड़े अच्छे काम करते हैं, कुछ करते ही नहीं है, अजीब बात है। बहरहाल जी चलते हैं टूवर्ड्स तरबेला, 5:23 और हम पहुंच चुके हैं तरबेला, हजरो आ गया ये एम टैग विद बैलेंस, लेन में जाएंगे हम, माल्टे यहाँ पे भी हैं ये बाहर आ गए हम, हजरो वाली रोड को कैसे देख के बेला से उतरते ही साथ हमने हजरों से ये लिए हैं गंडेरिया ली है, बड़ा जबरदस्त मीठा गन्ना है और ठंडी वैसे ही हुई हुई है मौसम की वजह से, चाचू भी खा रहे हैं, कैसी है अच्छी है हाँ हाँ मजेदार रस वाली बेहतरीन खाते जाते हैं। अब जरा टिक्के टेस्ट करते हैं गाजी के स्पेशल, ये टिक्के जो हैं यहाँ के बड़े फेमस होते हैं, तो ये टिक्के यहाँ पे जो है ना गाजी के हैं बड़े फेमस, ये खाते हैं हम, मस्त है यार कैंसिल भी करने अलग टिक्के खाते हैं गाजी के अंदर, और ये हैं यहाँ के बड़े स्पेशल टिक्के, हमने बोला ज़रा टेस्टिंग हो जाए शाम में, इस वक्त 6 बज रहे हैं तो थोड़ी सी टेस्टिंग हो जाए टिक्कों की कि कैसे हैं ये, और ये स्पेशली नोमी चाचू को हमने खिलाने, हमने तो घर खाए हुए हैं तो आपको बड़ा टाइम हो गया है ना खाए हुए, गर्म गर्म लाइव खाए हुए टाइम हो गया है तो टिक्के खाते हैं और आपको अभी आते हैं तो मैं दिखाता हूँ और उसके बाद फिर आगे का अपना प्लान शुरू करते हैं। और जी फाइनली आ गए हमारे टिक्के, सलाद नहीं चाहिए टिक्के खाते हैं, ये बड़े हैवी होते हैं टेस्ट में। इट्स 8:30 और अभी हम मौजूद हैं इधर अबासीम फिश पॉइंट पे, पापा के पुराने दोस्त हैं फैजी अंकल, तो इनके साथ हम फैजी भाई, अच्छा अच्छा तो इनके साथ में मौजूद हैं, और ये इनकी फिश वो क्या फिश कीमा, ये फिश कीमा एंड दिस इज द फ्राइड फिश, ये स्पेशल फ्राइड फिश है तरबेला दरिया की, ये दरिया वाली है सही सही, इनका भी हम लोग खाना एंजॉय कर रहे हैं।